Hello students, today I am going to explain a poem Venkat and Fish. This is a poem related to Venkat, a fisherman, and a fish which was caught by fisherman. Now let's go to the begin section. Fisherman work hard every day to catch fish to sell in the market. फ़िशरमैन जो हैं वो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं एवरी डे टू कैच फिश टू सेल इन द मार्केट. मछली को पकड़ने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं और फिर वो उसको मार्केट में बेचते हैं. दे ब्रिंग सम ऑफ देयर कैच होम टू फीड द फैमिली, और साथ ही उसमें से कुछ को वो घर ले आते हैं किसके लिए, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए. Imagine what would happen if the fish could talk. और imagine करिए कि तब क्या होगा जब fish बात करेगी, and request the fisherman, और fisherman से request करेगी not to cook or sell them, कि उसको वो ना तो पकाए और ना ही बेचे. Read the poem and find out. चलिए poem को पढ़ते हैं और ये find out करते हैं कि फिश के साथ क्या होता है. नाउ लेट्स गो टू द लेट्स रीड सेक्शन. वेंकट द फिशरमैन, फिशरमैन जिसका नाम है वेंकट, सेल हिज बोट एट डॉन. तो वो अपनी बोट को कब ले जाता है. डॉन मीन्स होता है अर्ली मॉर्निंग, तो सुबह उठ के वो जल्दी से, सुबह में बहुत ही जल्दी वो अपनी बोट को लेके निकल जाता है. पियर्ड इनटू अरेबियन सी, और वो क्या करता है, जो अरेबियन सी है उसमें झांकता है किस लिए, मछलियों को देखने के लिए कि ज़्यादा मछलियाँ कहाँ पे हैं, वो देखता रहता है. एंड ट्राइंग नॉट टू यर्न, यर्न मीन्स होता है जम्हाई लेना, उबासी लेना, तो वो कोशिश करता है कि उसको उबासी ना आए, क्योंकि वो कब उठता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि उसके उसको सेलिंग पे जाना होता है इसलिए वो जल्दी सुबह उठ जाता है. वेंकट द फिशरमैन कास्ट हिज स्टर्डी नेट इनटू द डीप ब्लू सी. अब जो वेंकट है फिशरमैन, वो क्या करता है, कास्ट हिज स्टर्डी नेट इनटू द डीप ब्लू सी, वो गहरे नीले सागर में अपनी मजबूत जो उसकी कास्ट मीन्स होता है डालना, स्टर्डी मीन्स बहुत ही स्ट्रांग, तो उसकी जो स्ट्रांग नेट है उसको वो कहाँ डालता है, डीप ब्लू सी यानी गहरे नीले सागर में अपनी जाल को फेंक देता है वो. एंड अवेटेड टिल सनसेट, और सनसेट तक वेट करता है इसके लिए कि उसमें मछलियाँ फंस जाए. वेंकट द फिशरमैन कॉट अ बिग फिश, तो वेंकट ने क्या पकड़ा, एक बड़ी फिश को. ही थॉट ही विल मेक अ नाइस स्पाइसी फिश डिश, तो वो सोचने लगा कि वो क्या करेगा, ही विल मेक अ नाइस स्पाइसी फिश डिश, कि वो इस मछली की बहुत ही एक स्पाइसी डिश बनाएगा. ही थॉट ही विल मेक अ नाइस स्पाइसी फिश डिश, और वो सोचने लगता है कि वो इस मछली का एक बहुत ही स्पाइसी डिश बनाएगा. वेंकट द फिशरमैन कम बैक टू हिज हट, तो जो फिशरमैन है वेंकट वो वापस अपनी झोपड़ी के पास झोपड़ी में आ जाता है. टू मेक हिज टेस्टी फिश करी, और वो किस लिए आता है, टेस्टी फिश करी को बनाने के लिए आता है. ही बॉट अ फ्रेश कोकोनट, और वो साथ में क्या लेके आता है, अ फ्रेश कोकोनट, एक ताज़ा नारियल. वेंकट द फिशरमैन गॉट रेडी टू कुक फिश,
बैंकर जो फिशरमैन है वो फिश को कुक करने के लिए रेडी होता है। बट फिश हॉल एंड सैड, लेकिन तभी फिश जो है तेज़ आवाज़ में अपना जो पेन है, दर्द है, उसको कहती है, प्लीज़ डोंट बी शो सेल्फ फिश। वो कहती है कि फिशरमैन तुम इतने कृपया करके तुम इतने स्वार्थी मत बनो, सेल्फिश मत बनो। आई वॉन्ट टू लिव, मैं जीना चाहती हूँ। ओ वैंकट इफ़ यू बी काइंड टू मी, वो कहती है ओ वैंकट मैं जीना चाहती हूँ, यदि तुम मेरे प्रति दयालु बनोगे। आई विल ऑलवेज कीप यू एंटरटेन फॉर फ्री, तो कहती है कि मैं हमेशा तुम्हें फ्री में एंटरटेन करूँगी, यानी तुम्हारा मनोरंजन करूँगी, कैसे, फ्री में। और मैं नो मोर ओ वैंकट इफ़ यू पुट मी इन फ्राइंग पैन, फिश कहती है ओ वैंकट अगर तुम मुझे फ्राइंग पैन में डाल दोगे, मुझे फ्राई करोगे, तो मैं कभी स्विम नहीं कर पाऊँगी, यानी कभी तैर नहीं पाऊँगी। लेट मी स्विस, डोंट मेक मी अ डिश, वो कहती है मुझे पानी में तैरने दो, मुझे एक डिश मत बनाओ। बी अ गुड जेंटल फिशरमैन, वो कहती है कि तुम एक अच्छे और दयालु फिशरमैन बनो। हियरिंग दिस, ये सुनकर बैंकट स्टॉप्ड, बैंकट जो है वो रुक जाता है। ही गॉट माइटी अपसेट, माइटी अपसेट मीन्स बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होना, दुखी होना। तो बैंकट को जब फिश कहती है कि तुम मुझे फ्राई मत करो, तो वो रुक जाता है और वो दुखी हो जाता है। द फिश श्योर इज़ हैप्पी एंड सेफ, तो उसके बाद क्या होता है कि निसंदेह ही फिश जो है वो सुरक्षित हो जाती है, साथ ही वो बहुत खुश होती है। क्यों हैप्पी होती है? क्योंकि उसकी लाइफ बच गई, उसको फ्राई नहीं किया गया, उसको मारा नहीं गया। बिकॉज नाउ इट्स बैंकर्स पेट, और अब वो क्या है, फिश जो है अब बैंकट की पेट बन गई है, बैंकट ने उसे अपना पेट बना लिया। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे फिश कैन सेव हिज लाइफ, फिश ने अपनी जीवन को बचा लिया। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन कंप्लीट, नाउ स्टूडेंट्स योर पोएम इज एंडेड, नाउ यू कैन कंप्लीट, लेट्स ट्राई वन, दिस इज योर होमवर्क। ओके, टिल देन गुड बाय।